अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो हम लोग इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं अंदरून सिंध की तरफ फैमिली के साथ, और फैमिली के बगैर तो मज़ा ही नहीं है पिकनिक का। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला जाती के तरफ रवाना हो रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, इस वक्त तकरीबन हम लोगों ने टूर को क्रॉस कर लिया है, नेशनल हाईवे से जा रहे हैं हम लोग। तो माशाल्लाह सुबह का भी बहुत ही खूबसूरत मंजर है हमारे सामने। ये पीछे मेरे कज़न बैठे हुए हैं जवाद अली, और ये हमारे अजीम भाई, और ये हमारे फरहान भाई, चलो फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो हम लोग इस वक्त आ चुके हैं छठा बाईपास की तरफ। तो यहाँ पर 5-10 मिनट के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो और सुनाएं आप, ठीक हो सब लोग? ठीक हो, कैसे हो? ठीक हूँ। ये देखिए अभी मेरा कज़न जवाद आ गया है, ये आप कुछ बोलेगा? अस्सलामु अलैकुम। तो बहुत सेम कुछ ऐसे हम लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। कौन सा सिटी है ये? है ठठा भाई। बहुत सी देखने को चीज़ें मिली, हम लोग जा रहे हैं कुछ नया देखने के लिए। यानी कि हम लोग जा रहे हैं मकली पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग जाती जा रहे हैं, जाती शहर शहर जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ मैं, बारह में कभी विजिट नहीं किया। तो एक नया एक्सपीरियंस होगा, नई नया प्लेस होगा, नई लोकेशन होगी, नई इन्वायरमेंट होगी। तो हमें क्या महसूस होता है, क्या फीलिंग होती है, वो हम आप करेंगे आगे चल के आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ पर जाते हैं और क्या क्या आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं जाती शहर में। उस वक्त हम लोग बाईपास पे थे, ठठरा बाईपास पे। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमारी मंजिल थी, जाती आखिरी शहर। तकरीबन यहां से लगभग 200 किलोमीटर के दूरी पर है कराची से। तो यहां पर माशाल्लाह बहुत ही कदीम कब्रिस्तान भी है, मेरे अकब में देख सकते हैं हम मेरे पीछे, बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है, बहुत ही पुरानी है। तो यहाँ पर कुछ मज़ारात भी बने हुए हैं, मुग़ल शाह पीर के नाम से मशहूर है, काफ़ी मशहूर है। में तो होगा कि अंदरून सिंध में बहुत से ओलिया की मज़ारात हैं, जिनमें से एक हमारे मुग़र पील की भी है मज़ार यहाँ पर जाती शहर में। तो यहाँ पर जो इनके अकीदतमंद हैं वो लोग काफ़ी दूर दराज अपने इलाकों से आते हैं यहाँ पर उर्स मनाने के लिए। तो बहुत ही इनके अकीदतमंद हैं यहाँ पर। और कुछ हमारे जो कज़न हैं जवाब भाई, वो आपको कुछ बताएं। जैसा कि जुनेद भाई ने बोला कि सिंध में बहुत से कदीम मकाम हैं, कदीम मकाम में से एक जाती शहर में मुग़ल पीर जो बादशाह थे, जिन्होंने यहाँ पे इस्लाम के झंडे गाड़े, यहाँ के फॉलोअर्स, यहाँ पे जो उनके मुरीदीन हैं वह यहाँ के उर्स मनाने और हाजिरी के तौर पर भी आते हैं। जैसे कि आप मेरे व्यू पर देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा खबरें पाई जा रही हैं। अपनी सीन जो है वो ऑफ करते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं जो कि आपको मज़ारात पर ले चलेंगे। तो हम लोग मज़ार के रास्ते में ही जा रहे थे, तो एक नदी का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, और लोग मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एंजॉय कर रहे हैं। और सिंध में गर्मी भी बहुत है, धूप भी बहुत है, धूप की वजह से गर्मी भी बहुत है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है इंटीरियर सिंध का। तो इस वजह से आप देख सकते हैं लोग किस तरह इंजॉय कर रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हो लोग फुली इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही। जितने भी लोग आए हुए हैं अकीदतमंद यहाँ आए हुए हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे आप, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है।
آتے ہیں اندرون سندھ میں روحانی علاج کے لیے بہت ہی مشہور ہیں، جو کہ کافی لوگوں کو فرق پڑا ہے اور ان کو اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے، روحانی سرجن کے نام سے۔ تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی ہم لوگ آ چکے ہیں، وہاں سے جو اپنی کراچی کی جانب ٹریول کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بھی ہمارا جو لاسٹ اسٹے ہوگا وہ ٹھٹھا شہر میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جواد بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کو؟